जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पे। दोस्तों, इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के फॉर्म में करेक्शन करने जा रहे हैं। क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम पूरा लाइव देखेंगे। अभी तक हमने बताया था आपको किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए लाइव प्रूफ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको आना है इसकी वेबसाइट पर और लॉग इन करना है अपने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड के थ्रू। अब दोस्तों, जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन होंगे तो यहाँ पर देखिए करेक्शन विंडो का ऑप्शन दिख रहा है और करेक्शन कंप्लीट योर करेक्शन का ऑप्शन भी आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इसमें आप आधार कार्ड नंबर अपना ऐड कर सकते हैं। यस करेंगे तो नाम और आधार नंबर डालना का ऑप्शन मिलेगा। पर्सनल डिटेल में आप माता पिता में से कोई एक नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे चेंज करने के लिए आएगा। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे मैरिटल स्टेटस को चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते हैं, तो मैरिड अनमैरिड भी नहीं चेंज किया जा सकता है। देखिए ये सारे ऑप्शन लॉक हैं। उसके बाद हम कम्युनिकेशन डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा एड्रेस हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई फॉर पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिटेल पूरा कर सकते हैं चेंज। और भाई बात करें अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तो देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड में आप सिर्फ थंब कर सकते हैं, जैसा मैंने नोटिफिकेशन में बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, सिर्फ थंब कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपने पिता का नाम और आधार नंबर चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिटी टाइप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में सिर्फ थंब कर सकते हैं, बस इतना ही चीज़ इसमें अपलोड कर सकते हैं। और संशोधन करने के बाद आप यहाँ पर लास्ट साइड में फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए राइट साइड में। ठीक, यहाँ से फाइनल सबमिट जब क्लिक करेंगे तो ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो जो नोटिस में दिया गया था कि ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, वही यहाँ पे चेंज हो रहा है, उसके अलावा कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे माता पिता में से कोई एक नाम, एड्रेस आप पूरा कर संशोधन कर सकते हैं, इसके अलावा आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट पूरा कर सकते हैं और बस इतना ही चीज़ है, बाकी और चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉक कर दी गई हैं। ठीक है, फोटो साइन थंब सिर्फ थंब कर सकते हैं, ना तो लाइव फोटो चेंज कर सकते हैं, ना पहले से जो आपने फोटो अपलोड किया है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीज़ आप इसमें चेंज कर सकते हैं और चेंज करने का कोई फीस यहाँ पे नहीं लग रहा है। दोस्तों, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ओपन करके आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। हाई कोर्ट से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाती है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।